नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम चर्चा करेंगे अपने गन्ने में लगने वाले अगेती प्रोह भेदक की, जो कि आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो गन्ना है इसमें इस तरीके का जो पौधा है ये हो जाते हैं। और ये जो पौधा है ये काइलो इन्फस कैटेलस की वजह से हो जाता है। और ये जो कीट है ये प्राय गन्ने की जो शुरू की जो अवस्था है उसमें देखा जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो उसके जो गन्ने की जो वृद्धि है उसको जो है वो रोकता है, और उसका जो प्रारंभिक भाग है उस पर हमला करता है। कम वर्षा और शुष्क गर्मी की अवधि में की स्थिति में इनके आपतन में वृद्धि हो जाती है। सूर्य लार्वा जो मिट्टी की सतह के चारों ओर गन्ने के प्रोह एक या एक से अधिक छेद करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और नीचे की ओर छेद करते हैं और अंत में वृद्धि कर रहे ऊतकों को खा जाते हैं। इस प्रकार ये ऊपर वाली बीज की पत्ती को जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति में कटौती कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अगेती प्रोह भेदक है ये क्षति पहुंचाते हैं। इस कीट की अगर हम बात करें कि ये मृत शिखर जो है वो उसको बना देते हैं। गन्ने के ऊपरी भाग आप देख रहे हैं, जैसे गन्ने में इसका जो पत्तियां हैं, नवीन जो पत्तियां हैं इनको खा लेते हैं, डेढ़ाट बना देते हैं, और अंदर का जो सिरा है उसको सड़ा हुआ प्राय उसमें से एक अत्यंत जो अप्रिय गंध है उसको उत्सर्जित करते हैं या निकलती है उसमें से। भेदक का संक्रमण प्राय जो कलमों में भी देखा जाता है, और कहीं ना कहीं ये कीट जो ग्रीष्मकाल में फसल में कई बार आक्रमण करता है, और इसके प्रकोप से मात्र पौ के जो अधिक जो प्राथमिक है या जो द्वितीय कल्ले भी हैं, यानी कि और भी जो थान में जो कल्ले निकल रहे हैं उनको भी प्रभावित करता है ये कीट। अगर हम देखें कि इसकी वृद्धि जो कर चुके जो गन्ने हैं उनको भी प्रभावित करता है। अब कैसे हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन करेंगे ये बहुत विचारणीय पहलू है। और अगर गर्मी के महीनों के दौरान अगर आप देखें तो गन्ने की फसल को जो प्रोह अवस्था है उसमें पर्याप्त आप सिंचाई करते हैं, अच्छी नमी होने के कारण आप देखेंगे अगर अच्छी नमी है तो कहीं ना कहीं इसका जो आपतन है वो कम लगता है। और अगर आप देखें कि जो अप्रैल से जून की अवधि में भेदक जो प्रभावित गन्नों के साथ लार्वा और पीपा को भी नष्ट कर दें। नर पतंगों के संग्रह के लिए कम से कम 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर 33 मीटर में जो है अगर पर्याप्त दूरी पर स्थापित करें। गन्ने बुवाई के समय जो क्लोरोपाइरीफॉस हमारे गन्ना किसानों ने जो 20 EC की डाली है 5 लीटर दवाई 1600 लीटर पानी में, उसको भी अगर आप डालते हैं तब भी इसका आपतन जो है वो कम से कम देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो कीट है इसका अगर अधिक प्रकोप हो रहा है तो आप मिट्टी की सतह पर जो क्लोरएंट्रोनिलीप्रोल है 18.5% SC की जो 375 मिलीलीटर मात्रा है उसको 800 से 1000 लीटर पानी में अगर आप मिला के इसकी ड्रेंचिंग करें तब भी ये कीट जो है वो नियंत्रित हो जाता है। कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो है जैविक तरीके से भी आप इसका जो है निदान कर सकते हैं, और जैविक तरीके में सबसे जो महत्वपूर्ण है उनमें आता है ट्रैकोग्रामा, जिसको कि अगर आप देखें ट्रैकोग्रामा क्लोनिस के जो 50,000 परजीवी अंडे हैं अगर आप उसको प्रति हेक्टेयर 2 कार्ड को यानी कि 50 स्ट्रिप्स 10 मीटर के अंतराल पर एक पट्टी में अगर आप लगाएं तो भी आप देखेंगे कि ये जो जैविक तौर पर इस ट्रैको जो ग्रामा है उससे भी जो ये जो कीट है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो साथियों ये इस तरीके से हम गन्ने में ये जो कीट है अर्ली शूट बोरर इसका निदान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।